हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी। आज बात करेंगे सेट नंबर 13 की बात करेंगे। फिजिक्स भौतिक विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अपन कवर कर रहे हैं। तो देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। निम्न में से किसकी इकाई कोई नहीं है? यानी दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा यूनिट लेस है, यानी जिसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी। अगर अपन देखेगा काफ़ी अच्छे कंसेप्ट क्लियर करेंगे। यहाँ से विस्थापन की बात करेंगे। सबसे पहले विस्थापन अपन किसको बोलते हैं? ध्यान दीजिएगा, विस्थापन की यूनिट होती है मीटर। प्रेशर होते हैं, प्रेशर को अपन किससे बोलते हैं? प्रेशर होता है, दाब होता है, वो होता है बल बटे क्षेत्रफल। और इसकी भी अपन यूनिट मानते हैं कि पास्कल इसकी यूनिट होती है। घनत्व, घनत्व होता है द्रव्यमान अपॉन में आयतन, इसकी भी यूनिट होती है किग्रा पर मीटर क्यूब। लेकिन रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी का मतलब है ऊपर भी कोई ना कोई मीडियम की डेंसिटी होगी और नीचे भी कोई ना कोई मीडियम की डेंसिटी होगी। तो दोनों मीडियम की जो डेंसिटी की जो यूनिट है आपस में कैंसिल हो जाएगी, इसलिए ये सापेक्षित घनत्व है, रिलेटिव डेंसिटी है, वो यूनिट लेस हो जाएगी। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखिएगा, विस्थापन होता है, विस्थापन हमेशा आपकी वेक्टर होती है, सदिश राशि होता है, ठीक है। लेकिन इसकी यूनिट मीटर में है, लेकिन आप दूरी को लेते हो, दूरी हमेशा आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी अदिश राशि होती है। अब दूरी और विस्थापन में डिफरेंस क्या है, वो चीज़ आपको अच्छे से समझना है। दूरी तो होता है जैसे इस पॉइंट तक, यहाँ तक जाना है मेरे को, तो इस तरीके से मैं अगर घूम के जा रहा हूँ तो यानी मैंने जितनी दूरी तय की वो तो कहलाती है डिस्टेंस, दूरी। लेकिन इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, शॉर्टकट दूरी, वो कहलाती है विस्थापन, ठीक। तो दोनों अच्छे से समझिएगा, दूरी आपकी अदिश राशि है, विस्थापन आपकी सदिश राशि है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा रिलेटिव डेंसिटी है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, यह अपन कह सकते हैं यूनिट लेस होता है। शक्ति का मात्रक क्या है? फॉर्मूला ऑफ पावर है, पावर का फॉर्मूला अपने से पूछा गया, नॉट मात्रक। तो ध्यान दीजिएगा, पावर अपन किसको बोलते हैं? पावर बोलते हैं अपन कार्य करने की दर को। ध्यान दीजिएगा, कार्य करने की दर को अपन बोलते हैं पावर या शक्ति। अब यहाँ पे देखिएगा, वर्क होता है अपन टाइम, तो वर्क अपन टाइम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये, ठीक है, सिंपल सी बात। और अपन इसकी यूनिट क्या लेते हैं? जूल पर सेकंड ले सकते हैं, या अपन इसको वाट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या वाट बोल सकते हैं, ठीक है। यानी अपना जो कार्य होता है या अपनी जो एनर्जी होती है, इनकी यूनिट तो होती है हमेशा जूल, और आपका जो पावर है इसकी यूनिट होती है वाट। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी जल विद्युत ग्रह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? इन्हें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन अल्टीमेटली विच एनर्जी इन इज कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की अगर आप बात करोगे, तो यहाँ पे आपका जो टर्बाइन घूम रहा है, टर्बाइन से आपका अल्टरनेटर कनेक्टेड होता है। अब टर्बाइन की जो ब्लेड होते हैं इन पे आके पानी गिरता है, ठीक है, और जैसे टर्बाइन की प्लेट पे पानी आके गिरेगा तो यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अब ये जो पानी आता है यहाँ से ऊपर से हेड से फ्लो होता है, वो आता है, तो पानी के अंदर कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। अब ये जो पानी के अंदर जो गति करते हुए आ रहा है, यानी जो काइनेटिक एनर्जी है, वो इसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो यहाँ पे अपने पास आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा, ठीक है। रेलवे ने इस क्वेश्चन का आंसर गतिज ऊर्जा ही माना है, लेकिन अपन यहाँ पे अगर आप इस पॉइंट के ऊपर देखते हो तो इस पॉइंट पे आपको देखने को मिलेगा कि मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। लेकिन आपको यहाँ से देखना, और रेलवे ने भी यही क्वेश्चन यही आंसर माना है इसका गतिज ऊर्जा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी लंगर लगी नाव लहरों से गिरी है, उसमें एक तरंग शीर्ष की दूरी 80 मीटर है। तरंग शीर्ष का मतलब होता है, देखिएगा, ये इसका शीर्ष है और ये इसका शीर्ष है, इन दोनों के बीच की दूरी है 80 मीटर। यानी आपको कुल मिला के दे रखा है लेमड़ा की वैल्यू, तरंग दे रही है, वेवलेंथ की वैल्यू है 80 मीटर, और लहर की गति आपको ये दे रखी है, यानी वेलोसिटी आपको दे रखी है 20 मीटर प्रति सेकंड। अब आगे कह रहा है कि नाव तक उस तरंग शीर्ष को पहुँचने में कितना समय लगेगा, यहाँ से यहाँ तक का आपको समय बताना है। तो सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमड़ा होता है। यहाँ से अपन वेलोसिटी आपको दे रखी है 20 इक्वल टू फ्रीक्वेंसी अपन निकाल लेते हैं, इनटू लेमड़ा की वैल्यू आपको दे रखी है 80। तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो जाएगी 20/80। 20/80 का मतलब 1/4 हो जाएगा, यानी फ्रीक्वेंसी आपके सामने होगी 1/4, लेकिन आपसे पूछा समय है, समय हमेशा आपका फ्रीक्वेंसी का अपोजिट होता है, तो समय हो जाएगा आपके पास 4/1, यानी 4 सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपने पास 4 सेकेंड। 305 नंबर क्वेश्चन। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। निम्न में से कौन सी घोल बिजली का चालक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन डो नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है वहाँ पे साल्ट बनना चाहिए, चाहे आयन्स जैसे कि Na+ है, Cl- है, ये आयन मिलकर क्या बनाते हैं? साल्ट बनाते हैं, और ये साल्ट क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। तो दिए गए ऑप्शन में से अगर अपन देखें, एसिडिक एसिड सोल्यूशन, ये ग्लूकोज सोल्यूशन, या सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन, तो इसमें से आपके जो ग्लूकोज का घोल होगा, ग्लूकोज अपन बोलते हैं C6H12O6, इसका जो सोल्यूशन होगा वो इलेक्ट्रिसिटी का चालक नहीं होता है। तो यहाँ पे अपने पास आंसर हो जाएगा दूसरा।
एक वस्तु जिसका द्रव्यमान आपको ये दे रखा है और इसकी आपको वेलोसिटी दे रखी है, गति कर रही है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? गतिज ऊर्जा दी जाती है 1/2 mv² से दी जाती है, तो 1/2 m मास आपके सामने हो गया 15 और वेलोसिटी होगी आपके सामने 4, तो 4 × 4 कर दीजिएगा, ये आपके पास आंसर हो जाएगा 4 × 2 = 8, 15 × 8 120 जूल आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 307, दिए गए ऑप्शन में से कौन बिजली के कुचालक है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? माइका क्वार्ट्ज, मेटल एंड रबर। मेटल सुचालक होती है, मेटल भी सुचालक होती है, तो ये दोनों ऑप्शन तो यहाँ से गलत हो गए। तो माइका और क्वार्ट्ज है वो इलेक्ट्रिसिटी की कुचालक होगी या बैड कंडक्टर हो गया, तो ओनली माइका एंड क्वार्ट्ज एंड ए, तो ये अपने पास आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर से, 12 °C पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? ध्यान दीजिएगा, जल की स्टेट के ऊपर हम बात करेंगे। 0 °C होता है ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट माना जाता है, जमाव बिंदु माना जाता है। 100 °C होता है ये इसका बॉइलिंग पॉइंट माना जाता है। अब देखिएगा, क्वेश्चन पूछा कि 12 °C पर इसकी स्टेट क्या होगी, 12 °C पर इसकी स्टेट क्या होगी? ये बॉयल हो रहा है, यहाँ पे फ्रीज हो रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की चाहे आपको कौन सा भी टेम्परेचर दे रखा हो, इस रेंज के बीच में हमेशा जो है पानी है उसकी एक स्टेट ही रहेगी और हमेशा फिक्स रहेगी, लिक्विड स्टेट रहेगी, ठीक है। तो 12 °C नहीं, आपसे यदि 99 °C भी दे दे तो आपको यही कहना है कि लिक्विड स्टेट में रहना है। तो यानी इससे और इसके बीच में आपको यदि कोई भी टेम्परेचर स्केल देते तो आपको कहना है लिक्विड स्टेट, और इसके बाद में इधर तो हो जाती है सॉलिड स्टेट और इधर हो जाती है फिर गैस स्टेट। विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? अभी हमने देखा विस्थापन सदिश राशि होती है, विस्थापन के परिवर्तन यानी यदि विस्थापन थीटा मानते हो आप, तो d θ/dt क्या कहलाता है? तो ये हमेशा आपका वेलोसिटी कहलाता है, और विस्थापन आपका सदिश है तो वेलोसिटी भी आपकी सदिश राशि हो जाती है, और इसकी यूनिट हो जाती है मीटर प्रति सेकंड, विस्थापन मीटर में और समय नीचे सेकंड में, ये आपका हो गया वेग की यूनिट, तो इसको अपन बोलते हैं वेलोसिटी। बिजली इलेक्ट्रिसिटी गैल्वेनोमीटर के द्वारा डिटेक्ट की जाती है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वायुमंडलीय दाब वो किसके द्वारा डिटेक्ट किया जाता है? ऑस्मोमीटर, बैरोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर या हाइड्रोमीटर? तो यहाँ पे अपने पास आंसर आ जाएगा बैरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग किसके नाम से जाना जाता है? स्थितिज ऊर्जा को अपन बोलते हैं mgh और गतिज ऊर्जा को अपन बोलते हैं 1/2 mv². यदि इन दोनों को जोड़ दूँ मैं तो मेरे को क्या मिलेगा? तो इन दोनों को जोड़ने से मेरे को मिलेगी मैकेनिकल ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। यहाँ पे मेरे पास आंसर हो जाएगा चौथा, मैकेनिकल ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। निम्न में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का एक सोर्स नहीं है? बायोमास एनर्जी का सोर्स कौन सा नहीं है? गाय का गोबर, इथेनॉल, लकड़ी या परमाणु ऊर्जा? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा परमाणु ऊर्जा, ये बायोमास एनर्जी का सोर्स नहीं, बाकी तीनों ऊपर वाले बायोमास एनर्जी के सोर्स हैं। यहाँ पे आपके सामने एक m1 दे रखा है, यहाँ पे आपके सामने m2 दे रखा है, दो इस्पात की गेंदों की गतिज ऊर्जा समान है, यानी इनकी दोनों की वेलोसिटी समान है कुल मिला के। यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति कर रही है? ध्यान दीजिएगा, यदि अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो 1/2 mv² से दी जा रही है। यदि mv² से दी जा रही है तो इसका मतलब है ये mv है, कॉन्स्टेंट है, कुल मिला के ये कह रहा है कि गतिज ऊर्जा समान है, तो 1/2 mv² कॉन्स्टेंट है, तो किसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा? ध्यान दीजिएगा, यदि जिसका m कम है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी और जिसका m ज़्यादा है उसकी वेलोसिटी कम रहेगी। तो ये पूछा गया हो तो कौन सी गेंद तेज़ी से गति कर रही है, जिसका मास कम होगा वो तेज़ी से गति करेगी। तो यहाँ पे अपने पास आंसर हो जाएगा 5 kg वाली गेंद तेज़ी से चल रही है। मुक्त रूप से गति करने पर सक्षम 10 kg द्रव्यमान की एक वस्तु, ये आपको m दे रखा है, यहाँ पे फोर्स दे रखा है, लगाया जाए तो निम्न में से क्या खतरा लागू होगा? तो सिंपल सी बात है, फोर्स का फॉर्मूला लगा लेते अपन, मास इंटू त्वरण। तो यहाँ पे आपके पास में त्वरण आ जाएगा f/m से, f आपके सामने 10 और मास भी 10 है, तो 10/10 यानी 1, 1 m² आपके सामने त्वरण आ जाएगा। जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है? बंदूक से गोली चलाओगी तो स्थितिज ऊर्जा किसमें चेंज हो जाएगी? गतिज ऊर्जा के अंदर। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा चौथा, गतिज ऊर्जा। लंगर डालकर रोकी गई एक नाव लहरों से गिरी हुई है जिसका तरंग दैर्ध्य इतना है, लैम्डा की वैल्यू दे दी। चलती तरंगों के छिड़ाव की वेलोसिटी आपको इतनी दे दी, नाव के हिलने की फ्रीक्वेंसी आपको ज्ञात करनी है। तो वही फॉर्मूला, वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा आपको लेना है, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा आपके सामने वेलोसिटी अपन में लैम्डा, वेलोसिटी हो गया 25 अपन लैम्डा हो गया 125, तो ये हो गया 1/5, 1/5 को आप क्या बोलोगे 0.20 Hz, ये आपका चौथा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समांतर परिपथ में, कोई भी समांतर परिपथ है, ठीक है, कुछ भी समझ सकते हो आप, ये समांतर परिपथ है, मैं यदि किसी खराबी के कारण एक विद्युतीय उपकरण कार्य करना बंद कर दे, अब जैसे कि ये खराबी आ गई यानी इसने अपना काम करना बंद कर दिया,
तो अन्य विद्युत उपकरण क्या होगा, तो ये देखिएगा इस पर क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या। इनका सर्किट तो पूरा बन रहा है, यहाँ से कोई सप्लाई दूँ मैं तो इनका सर्किट तो कंप्लीट बन रहा है, यानी ये अपना काम करता रहेगा और इसको भी अपनी पूरा सर्किट मिल रहा है तो ये भी अपना काम करता रहेगा, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सामान्य रूप से कार्य करते रहेंगे, पहला अपना आंसर हो जाएगा। यदि ऊपर की ओर एक फेंकी गई एक वस्तु का प्रारंभिक वेग इतना है, यू की वैल्यू आपको दे दी, तो उसे उसके उच्चतम बिंदु तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। तो उच्चतम बिंदु, जैसे कि यहाँ से मैं यू बराबर से फेंक रहा हूँ, ये इसका उच्चतम बिंदु है, जैसे सपोज एच हाइट है, तो यहाँ तक पहुँचने में उसको कितना समय लगेगा ये अपने को बताना है। तो गति का जो पहला समीकरण वो अपन काम में लेते हैं, वी बराबर यू माइनस जी टी कर दूँ मैं, ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो माइनस का जी कर दिया मैंने। जब ये अपने फाइनल बिंदु पर पहुँचेगी तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी जीरो, तो जीरो बराबर यू माइनस जी टी, और यू बराबर क्या हो जाएगा जी इंटू टी, और टी पूछा तो टी हो जाएगा यू बटे जी से, यू की वैल्यू आपको दे दी 14, तो यू की वैल्यू होगी 14 और जी की वैल्यू आपको दे दी 9.8। 14 में आप 9.8 का भाग देते हो, आपके पास आंसर आ जाएगा 1.43 सेकेंड। यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा कितनी होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शक्ति की मात्रा बतानी है अपने को, तो शक्ति अपन कहते हैं कार्य करने की दर को। अब कार्य कैसे निकालोगे, कार्य आप निकाल लीजिएगा एम जी एच से अपॉन में टी। यहाँ पे आपके सामने टी दे रखे हैं, यहाँ आपके सामने एफ दे रखे हैं, ठीक है, यहाँ आपके सामने डी दे रखे हैं। तो कार्य आप एफ डॉट डी से निकालिएगा, क्योंकि आपको यदि फोर्स दे रखे हैं और डिस्टेंस दे रखा है तो आप कार्य निकालिएगा एफ डॉट डी से, एफ डॉट डी से निकालिएगा, नीचे आपका समय रहेगा। तो एफ डॉट डी कितना हो जाएगा, एफ डॉट डी हो गया 600 इंटू 20 हो गया आपका कार्य। अपन में समय लेना है आपको, समय हमेशा आपको सेकंड में लेना है, 4 मिनट है तो इसको सेकंड में बदल दिया, 4 इंटू 60 काट देते हैं, 60 का इसमें भाग गया 10 बार, 4 का इसमें भाग गया 5, 5 इंटू 10 50 वाट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि क्या आपसे पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में श्योर पूछे जाने की संभावना है दोबारा से। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर है, तो यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है, पहला अपना सही हो जाएगा। निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता, जैसे कि ये पृथ्वी है, ये बृहस्पति है, ये बुध ग्रह है, ये शुक्र ग्रह, तो इनमें से क्या होता है कि किसका स्थान बदल दिया मैंने फिर भी वो चेंज नहीं होते हैं। गुरुत्वाकर्षण चेंज होता है, घर्षण के कारण बल भी चेंज होता है, वजन भी चेंज होता है, द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता। यहाँ पे मास एम है तो सब जगह मास एम ही रहने वाला, ये अपना आंसर हो जाएगा चौथा। ध्यान दीजिएगा, वजन, वजन की यूनिट होती है न्यूटन और मास की यूनिट होती है हमेशा केजी के अंदर, ठीक है। तो हमेशा इनके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो एक बार इंग्लिश टर्म्स के ऊपर जरूर जाइएगा, इंग्लिश टर्म से आपको थोड़ा कन्फर्म पता चल जाएगा कि एक्चुअली मास की बात हो रही है या वेट की बात हो रही है, हिंदी टर्म से आप कन्फ्यूजन पैदा कर सकते हो, ठीक है। ये आपकी होगी अदिश राशि, अदिश राशि होती है, और ये होती है आपकी सदिश राशि। निम्न में से किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। ये मेरे पास बर्फ है यानी ये सॉलिड स्टेट है, ये मेरे पास पानी है यानी मैं लिक्विड स्टेट है, और यहाँ पर यह गैस में बदल गई यानी ये कह सकते हैं अपन ये भाप बन चुकी यानी ये गैस स्टेट आ गई। तो किसका मैंने यूज़ करके इनकी स्टेट को चेंज कर दिया, तापमान, घनत्व, आयतन या साइज, तो यानी तापमान बढ़ा के तापमान के अकॉर्डिंग मैंने इनकी स्टेट को चेंज कर दी, यही मेरा आंसर हो जाएगा। दो कण जिनका आवेश इतना है एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं, इनके बीच एक फोर्स लग रहा है, ये है Q1 और ये है Q2, इनके बीच की कुछ दूरी है d, तो इनके बीच फोर्स लग रहा है जो दिया जाता है Q1 Q2 अपॉन में d स्क्वायर से दिया जाता है। अब कह रहा है कि यदि दूरी 1/5 हो जाती है, अब d की वैल्यू d/5 हो गई, तो इनके बीच बल कितना लगेगा। ध्यान दीजिएगा, इस पूरे को मैं एक कॉन्स्टेंट टर्म्स दे दूँ, सपोज कीजिएगा मैंने a दे दी इसको, तो f समानुपाती 1/d स्क्वायर हो गया, ठीक है, यानी f क्या हो जाएगा बराबर समानुपाती 1/d/5 का स्क्वायर, यानी एफ समानुपाती 1/d² / 25, ये आपका 25 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यानी आपका जो फोर्स होगा वो डिस्टेंस को आप d/5 करते ही आपका फोर्स है वो डायरेक्ट 25 गुना हो जाएगा। एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है, तो स्थितिज ऊर्जा हमेशा आपकी गतिज ऊर्जा के अंदर चेंज हो जाती है, तीसरा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैटरी टर्मिनल से वैसे संबंधित है जैसे चुंबक किससे संबंधित है। आप देखते हो बैटरी होते हैं, बैटरी के अंदर आप देखते हो टर्मिनल होते हैं, चाहे वो प्लस माइनस हो, तो इसी प्रकार आपके पास में चुंबक है, चुंबक के अंदर आपका जो नॉर्थ और साउथ होता है ये क्या कहलाते हैं, ठीक है, ये आपके हमेशा पोल कहलाते हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा पोल या ध्रुव है। तो ये था आपका आज का सेट नंबर 13,
इसी के साथ मैं 325 क्वेश्चन कवर कर चुके अपन। वीडियो को लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।